अल्लाक एवरी वन आई मैन मंजूर क्लिनिकल डाइटेशन एंड न्यूट्रिशनिस्ट और आज हम बात करते हैं कि रमज़ान में शहरी या इफ्तार में जो बहुत ज़्यादा खाना खाया जा रहा होता है बहुत ज़्यादा एकदम से हम ओवर ईट कर लेते हैं अफ्तारी के बाद भूख भी लगी होती है प्यास भी लगी होती है तो बहुत ज़्यादा एकदम से हम लोग खा लेते हैं कि पता नहीं हमें दोबारा मिलेगा कि नहीं तो उससे हमारी सेहत पर क्या असर होता है जब हम बहुत ज़्यादा फास्टिंग लंबे आवर्स की फ़ास्टिंग के बाद जब बहुत ज़्यादा स्टमक को एकदम से फिल कर लेते हैं तो उससे बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं रमज़ान रोज़ा खोलने के टाइम पर या रोज़ा जिस टाइम पर अफतार होता है उससे लेकर हमारी शहरी तक जो हमारा पैटर्न है वो बहुत कैलकुलेटेड होना चाहिए और बहुत आ, उसमें फ्रीक्वेंट मील्स भी नहीं होने चाहिए गैप होना चाहिए जब हम खाने जब हम शहरी अफ्तारी के फ़ौन बाद बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और यूजली हमारा जो इफ़ार की जो डिशेज़ होती हैं उसमें भी क्या होता है हमारे फ्राइड आइटम्स पकौड़े समोसे आ, फ्रूट चाट दही भल्ले कोई ना कोई हमारे स्प्रिंग रोज मतलब फ्राइड चीज़ें हमारी ज़्यादा होती हैं और पकौड़ों के बग बैर और समोसों के बगैर तो किसी के घर भी रफ्तारी जो है वो नामुकम्मल होती है तो बेसिकली uh, जब हम बहुत ज़्यादा एक तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा करते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें जब हम ऐड करते हैं तो उससे उसके साथ जब हम पानी का इंटेक डबल कर लेते हैं तो उन सब चीज़ों से हमारा जो स्टमक है वो ओवरलोड होता है जो स्टमक तेरह चौदह घंटे से फास्टिंग में था उसने कुछ नहीं खाया था बॉडी की रिक्वायरमेंट थी लेकिन हमने इतना ज़्यादा उसके अंदर फ़िल कर लिया कि वो बर्स्ट होने की तरह Uh, हो गया और उससे क्या होता है बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं उधी उन्हीं लोगों में फिर बहुत ज़्यादा एसिडिटी का मसला होता है बदहजमी का इंडाइजेशन का मसला होता है ब्लोटिंग का मसला होता है कॉन्स्टिपेशन का मसला आता है ये सारे मसाइल वो मसाइल हैं जो आगे आपको फ़र्दर वेट लॉस वेट गेन की तरफ लेके जाते हैं मोटापे की तरफ लेके जाते हैं अनकन्ट्रोल्ड डायबिटीज़ आ जाती है ब्लड प्रेशर शुगर वग़ैरह कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ना शुरू हो जाता है तो अगर आप आ, अफ्तारी में या सहरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा खुराक खाएंगे कोई भी चीज़ है ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे तो बहुत सारे आपके जो स्टमक इश्यूज हैं वो आना शुरू हो जाएंगे जैसे ही आपके मेदे के मसाएल आएंगे आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगी ब्लोटेड रहेंगे कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे एसिडिटी रहेगी ना कुछ खाया जाएगा ना आपसे कोई सही तरीके से वॉक होगी ना एक्सरसाइज होगी कोई भी जो रूटीन के डेली के काम है वो आप नहीं कर सकेंगे तो बेजा इस्तेमाल जो है वो सेहत पर इस तरह से आ, आ, असर करता है कि वो आपको बहुत सारे मसाइल की तरफ लेकर जाता है कोशिश करें कम क्वांटिटी में खाएं और थोड़ी थोड़ा थोड़ा करके खाएं पोर्शन कंट्रोल करके खाएं बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल और ख़ास तौर पे जितने भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं कोला ड्रिंक्स वगैरह हैं उनका इस्तेमाल अफ्तारी के टाइम में सहरी के टाइम ना करें बहुत ज़्यादा अगर आप लोग चाय का इस्तेमाल भी रोज़ा खोलने से अफार अफ्तार से सहरी तक बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल भी करते हैं तो वो भी आपकी सेहत के लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकती है इन सारे मसाई से बचने के लिए बेहतर ये है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया जाए हेल्दी ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया जाए साथ में मीट का इस्तेमाल कुछ पोर्शन में किया जाए कबाब की फॉर्म में बारबेक्यू की फॉर्म में किया जाए और दूध दही का इस्तेमाल जो है वो किया जाए इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको ब्लोटिंग से आपको एसिडिटी से इन चीज़ों से बचाती हैं ठीक है जी तो ये कुछ डाइटरी गाइडलाइंस थी रमज़ान की जो हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए अपना शहरी और रफ्तार की जो चीज़ें हैं उनको कैलरीज हैं या जो अपना फूड है उसको काउंट करके उसको पोर्शन कंट्रोल करके और तरीके के साथ खाना चाहिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे वो आपके लिए नुकसानदेह होगी ठीक है जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाफ